गुरु जी, आज के संक में हम बात करने जा रहे हैं कमर दर्द को लेकर। कमर दर्द चाहे वो बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी हो, महिला, पुरुष, कमर दर्द एक ऐसी समस्या है जो अक्सर हो जाती है, या तो बहुत ज़्यादा परिश्रम करने वालों को भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बैठने वालों को भी हो जाती है, गलत तरीके से सो गए तो भी हो जाती है, किसी के साथ इस तरीके की दिक्कत होती है, गद्दे पे सोने से कमर दर्द होता है या ज़मीन पे सोने से, तो बहुत सारे कारण होते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, कमर दर्द जो एक बहुत दुख, एक बहुत ऐसी स्थिति बन जाती है, व्यक्ति ना ठीक से चल पाता है, बहुत परेशान हो जाता है, तो आखिर इसके पीछे कारण कौन कौन से होते हैं? देखिए, कमर दर्द होने के दो मुख्य कारण जी। एक तो है कि आपने झुक करके चीज उठाई और कमर में कड़क आवाज, आपका कुंडा को खुल गया, अच्छा, आपको दर्द होगा जी। और दूसरा है कि आपने जो भी मन में आया खा लिया और लीवर आपका उसको पचा नहीं रहा, पेट में जाकर सड़े गैस बनेगी, और गैस जाके यदि कमर में रीढ़ की हड्डी के अंदर फंस गई, जॉइंट खुल गए, तो आपको भयंकर दर्द होता है। मेडिकल साइंस में तो प्रेशर करके इसमें स्टील की राड डाल देते हैं ताकि कमर झुके ना, परंतु वो स्टील की राड इतनी परेशानी करती है, ना तो सर्दी बर्दाश्त कर सकता है ना गर्मी बर्दाश्त कर सकता है। सर्दी लगेगी, ठंड लग के और भी जकड़न पैदा होती है जी। और गर्मी लगेगी तो वहाँ पे ऐसे आग लगती है जैसे अंगारों पे चल रहे हैं। परंतु जो टीवी के माध्यम से अभी मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ, जैसे आपको कमर में दर्द शुरू हुआ, इसको अपना लेते हैं तो 15 दिन में आपका कमर दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये उपचार है, लहसुन, सौंठ और गाय के दूध का मट्ठा। सुबह जब मट्ठा मिलोते हैं और मक्खन निकाल लेते हैं, मक्खन निकालने के बाद एक गिलास मट्ठे का ले लें, उसके अंदर लहसुन पीस करके और सौंठ उस लस्सी के अंदर घोल दें, 5-6 तुलिये लहसुन की और 5 ग्राम सौंठ। सबसे पहले तो आप 10 ग्राम 3 पानी में ताज़ा मक्खन धो के चाटें, चाटने में 10 मिनट लगाने। उसके बाद आप जो लस्सी में आपने सौंठ और लहसुन मिलाया है, इसको सिप सिप करके पीना है। आप आधे घंटे का समय लगाएं 200 ग्राम पीने में। तो इसके पीने के बाद आपको अंदर ऐसे लगेगा जैसे कीड़ियाँ चल रही हैं। सौंठ और लहसुन जाके जितने भी खून के अंदर इन्फेक्शन है उनको समाप्त करेगा, और जहाँ पे गैस है उसको ऐसे निकालेगा जैसे गुब्बारे में छोटा सुराख करके गैस निकल जाती है, ऐसे निकलेगी। अब गुदा के रास्ते आपको हर 5-10 मिनट बाद गैस खारिज करनी पड़ेगी, परंतु उसमें किसी किस्म की महक नहीं होगी जी। अब ये क्रिया आप 15-20 दिन लगातार कर रहे हैं, ऐसे सारी उम्र भी करते रहें तो आपको कभी कमर दर्द होने नहीं, परंतु 15-20 दिन जब आपको लेते हो जाएंगे तो आपको कमर दर्द का नामोनिशान नहीं मिलेगा। आप झुके, खड़े हों, बैठें, उठें, जो मर्जी करें, जैसे एक रबड़ गर्मी में रखने के बाद बिल्कुल मुलायम हो जाती, जैसे मर्जी मोड़ रहे उसमें कोई नुकसान पड़ता, ऐसे लहसुन से और सौंठ से गाय के दूध में ताज़े मट्ठे में मिला के पीने से शरीर का हर किस्म का दर्द समाप्त। परंतु एक बात पर विशेष ध्यान देना, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, लाल मिर्च, हरी मिर्च और आयोडीन नमक, इससे हाथ भी नहीं लगाना। आर्टिफिशियल चीज़ें जैसे कैंपा है, पेप्सी है, लिमका है और मैदे की जो भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों से किसी से हाथ नहीं लगाना। खाना जो आपने खाना है
वो एक नाज अकेला नहीं खाना, उसमें पांच नाज, सात नाज, नौ नाज, ग्यारह नाज, जितने आप इकट्ठे करना चाहें उतने कर सकते हैं। और इनको पहले अलग अलग को धो के सुखा के, और चाहे आप 10 किलो पिसाएँ, चाहे 5 किलो पिसाएँ, चाहे 20 किलो पिसाएँ, उसमें 50 ग्राम अजवाइन और 100 ग्राम तिल भून के मिलाने दोनों चीज़ें, और शनिवार को आटा पिसाना, इसके आगे पीछे पिसाना। और आटा यदि छोटी चक्की जो घर में चलती है सिंगल फेस की, उससे पीसेंगे बहुत ही बढ़िया। बड़ी चक्की से इस आटे को नहीं पिसाना, आटा गर्म नहीं होना चाहिए पीसती दफ़ा। आटा गर्म होने के बाद आधे उसके गुण खत्म हो जाते हैं। अब इस आटे की जो आपने रोटी खानी है, सुबह आप सूर्य उदय होने के 2 घंटे बाद खाना खा लें, और उस टाइम नहीं खा सकते तो 12 बजे से पहले पहले खाना खा लें। खाना खाने में आपको 1 घंटा लगाना पड़ेगा। उसका नियम है कि जब आपने खाना बनाना है तो पहले सख्त आटा गूंद करके खुले पानी में उसको डुबो के रख दें। इतने में आप दाल सब्जी जो भी चीज़ खानी है वो अपनी तैयार कर लें। परंतु इसको तैयार जो करना है, या तो मिट्टी का बर्तन हो, या स्टील का हो, या कलाईदार पीतल का, या तांबे का बर्तन हो, या कांसे का बर्तन हो, परंतु अच्छा साफ। और जब आपकी दाल सब्जी जो भी आपने खानी पक गई, तो उसके बाद उस आटे को पानी में से निकाल के दोबारा गूंदे, मुलायम हो जाएगा। अब इसकी रोटी बना के जो भी दाल सब्जी है थाली में डाल के गर्म गर्म रोटी उसके अंदर डालते जाना, और इसको मसलना है। मसल करके जैसे सूप पीते ऐसे पीनी, ग्राहियाँ नहीं खानी। और इसके साथ दिन का टाइम है तो आप लस्सी ले सकते हैं, उसमें लहसुन प्याज अदरक मिला के ले सकते हैं। यदि लस्सी की इतनी व्यवस्था नहीं है तो फिर आप गर्म पानी के अंदर भी लहसुन प्याज अदरक मिला के ले सकते हैं। इसका नियम है कि 2-4 ग्राह खाना खाया, 2 घूंट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राह खाना खाया, 2 घूंट पानी पिया। पानी पीने में खाना खाने में पूरा 1 घंटा लगाना अति आवश्यक है। उसके बाद दातुन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए आप वज्रासन बैठ जाएं, फिर 10 मिनट के लिए आप सैर करें, 20 मिनट के लिए आप शवासन लेट जाएं, 5 मिनट के लिए बाएं साइड कर लेके लेटे, 3 मिनट के लिए बाएं साइड, फिर उसके बाद आप उठ करके घूमें फिरें जो मर्जी करें। अब जो भी आपके शरीर के अंदर ताकत आएगी वो इतनी अंदर ताकत फुर्तीलापन होगा जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा पूरी करके उठे। अब इसके बाद यदि आपको काम करना कोई तो काम पे जाइए, यदि काम नहीं करना है तो आप फिर उसके बाद अपने मकान पे, बालकोनी पे, जहाँ भी कहीं आपका मन करे वहाँ पे पूर्व मुख या उत्तर मुख होके बैठे और किसी भी धार्मिक किताब का उच्चारण करें जी। तो आपका रोग ऐसे समाप्त होगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को मारचीस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। और रात्रि का खाना बनाने का तरीका यह किया जो सुबह बताया मैंने, वही शाम का है। परंतु शाम का खाना आपने सूर्य अस्त होने से 1-1.5 घंटा पहले खा लेना, और खाना खा के 5 मिनट के लिए वज्रासन से उठ से कम 1/2 घंटा आपने सैर करनी है। 1/2 घंटे के बाद फिर आपने 1.5 घंटे का विश्राम करना, उसमें चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे परिवार से, अट पड़ोस से, रिश्तेदारी में बातचीत करें, आपकी इच्छा है। रात्रि ठीक 9 बजे सो जाना, सुबह 4 बजे उठ करके आपका पेट ऐसे साफ होगा जैसे सिर के ऊपर से बोझा फेंकते हैं। उसके बाद दातुन कूड़ा करके 1/2 घंटा कपालभाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उजई, 25-30 बार भ्रमणी, 1 घंटा लोन भ्रोन करना अति आवश्यक है। इसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो 2-2, 4-4 मिनट मंडुकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शव आसन, सर्वांगासन, हल आसन, शीश आसन,
इतनी क्रियाएं यदि आप कर लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई रोग होगा।